और मैं रावण का बेटा मेघना, समझ रहे हैं? हाँ जी वो हाँ असल मायने में रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। जी 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 रावण क्या कर पाया? रावण कुछ नहीं कर पाया गोविंद जी। राम लक्ष्मण का रावण बाल बांका, लेकिन मेघनाथ ने एक बार लक्ष्मण और राम को भी माने संजीवनी बूटी पे जिंदा रहने तक के लिए मजबूर कर दिया। सोच लीजिए, हाँ जी हाँ लक्ष्मण को अगर संजीवनी बूटी न मिली होती तो, मतलब सामान्य भाषा बोल रहा हूँ, लक्ष्मण भी मतलब हार गए थे मेघनाथ, समझ रहे हैं? मेघनाथ हाँ इतना पावर उसके अंदर, मेघनाथ के अंदर मतलब दो दो बार वो परेशान किए थे राम लक्ष्मण को, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, तो रावण का बेटा रावण से भी टेढ़ा था। रावण तो कुछ नहीं कर पाया, वो खाली हारा है, वो निकल गया खाली। हाँ जी हाँ भले वो पिता रहा राजा, उससे ज्यादा नाम हुआ, पर मेघनाथ असल में उससे इंद्र से रावण हार गया था। इंद्र हाँ जी हाँ तो मेघनाथ ने फिर इंद्र को भराया, समझ रहे हैं? मेघनाथ जी 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 तब से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा, मतलब रावण का बहुत बड़ा पावर था मेघनाथ, समझ रहे हैं? जी हाँ तो मेघनाथ कहां से पैदा हुआ? क्योंकि रावण तपस्वी था गोविंद जी, ठीक है? जी तो वो तपस्या का संस्कार मेघनाद में उतरा और मेघनाद ने उसको बढ़ा दिया गोविंद जी पे साधना, ठीक है? अपनी जी हाँ जी तो साधना कोई बहुत अनोखी है, बहुत दुर्लभ चीज नहीं है गोविंद जी, बहुत साधारण सी, वैसे योग मार्ग में है, ठीक है? हाँ जी हाँ वही प्राणायाम है, वही मूल बंध है, वही मुद्राएं हैं, वही आसन है गोविंद जी, ठीक है? हाँ जी हाँ पर करने वाला चाहिए ना, किताबों में तो सारी बातें लिखी हाँ है इधर, जी जी पर जी हम तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो कर लिया गोविंद जी, ठीक है? हाँ अच्छा जी हाँ चलिए, उस लेवल पे मत